नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरकेस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मिस्टर सुबू, इनको आप जानते ही हैं, पीछे में हेडिस नवीन एंड ही इज अ न्यू गाय ऑन आवर ट्रिप मिस्टर तिरुपति। पिछली बार की तरह रेंटल वाले ने लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया और ऑल ऑफ सडन दूसरे रेंटल वाले से बात करके गाड़ी बुक करनी पड़ी और दिल्ली से निकलते निकलते हमारे को 2 बज गए। तो अभी हम दिल्ली क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। हम लोग अभी फिलहाल मुजफ्फरनगर के आसपास में हैं, तो आज का प्लान ये है कि फिलहाल हम ऋषिकेश पार करना है, ऋषिकेश से आगे जितना हो सकता है उतना क्रॉस करना है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारा कल का बुकिंग है ओली में कैंपिंग साइट का, फॉलोड बाय ट्रैकिंग भी है उसमें। तो अब वही है कि अगर लेट नाइट हो जाता है हम लोगों को ट्रैकिंग का कैसे करेंगे। उस बंदे को कॉल लगाया, उसका स्विच ऑफ आ रहा था, आई थिंक थोड़ी देर बाद दोबारा बात करता हूँ उनसे और बोलना पड़ेगा कि ट्रैकिंग जो है पोस्टपोन करके परसों का कर दें। लेटेस्ट अपडेट, वी आर अबाउट टू रीच ऋषिकेश। 20 किलोमीटर रह गया है यहाँ से और, लेकिन हम लोग वहाँ पे हॉल्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ये अपडेट पहले दे देता हूँ। शाम के 6:15 बज रहे हैं और थोड़ा क्राउडेड मिलेगा, सो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग कि ऋषिकेश को हम क्रॉस कर दें और व्हेन विल रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ऋषिकेश देन विल हैव सम चाय नाश्ता एंड ऑल दैट स्टफ। मैगी हो गई, ब्रेड ऑमलेट हो गया और गर्मा गर्म हो गई चाय। अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मिस्टर सुबू विल टेल। अभी हम फिलहाल जाएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में ओके हम स्टे करेंगे। कितना डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से? ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स। 62 किलोमीटर्स विच विल बी कवर्ड इन 1 hour 15 minutes और 1.5 hour। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो वही की जाएगी। या और आप बताइए भाई, कैसी रही अभी तक की जर्नी? हाउज अभी तक की जर्नी काफी ऑसम रही है। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल, काफी मजा आया। और आप बताइए जनाब, मजा आया जर्नी? थोड़ा ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? इनको बोलिए कि वीडियो चलते चलते बीच में ही लाल बटन को फोड़ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें शेयर। जुड़े हमारे साथ और ऐसे ही आनंद लेते रहें ट्रैवल वीडियोस का, बीच बीच में डालते रहेंगे हम आपको दुनिया दिखाने के लिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देवप्रयाग में हम लोग रुक गए एंड मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं दिस इज़ द होटल वी आर प्लानिंग टू स्टे। अभी दोस्त लोग अंदर गए हुए हैं और रूम्स वगैरह कंडीशन देख रहे हैं, तो 90% चांसेस आर देयर कि यहीं पे स्टे करेंगे। क्या नाम देख लेते हैं क्या है, यह दिस इज़ होटल उमा। देवप्रयाग शुरू हुआ तो एकदम स्टार्टिंग में ही स्लोप है और स्लोप के पास में ही ये होटल है। तो फटाफट रूम टूर ले लेते हैं एक, दिस इज़ आर रूम। और
जुगाड़ लगाया गया है यहाँ पे, एक कमरे में चार लोग, एक गद्दा डलवा लें। दिस इज द वॉशरूम, प्रीटी गुड यार। भाई साहब ये अलमारी दे रखी है इन्होंने कपड़े वपड़े टांगने के लिए, यहीं पे रखेंगे बैग हम लोग ना। अब 1500 में और कितना चाहिए यार। दिल्ली से देवप्रयाग का सफर, और हमने आज मापे 300 किलोमीटर, और दिन भर की थकान के बाद अभी हम अपने होटल रूम में बैठे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द फूड। सो हेयर आई कॉल इट अ डे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली जाके सब्सक्राइब करें फॉर द मोर फन लविंग वीडियोज़। इंतज़ार कीजिए, बाय बाय।